हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ममता और आज हम बनाएंगे चिकन इन ऑयस्टर सॉस। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैंने यहां पर 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। मैंने यहां पर चिकन ब्रेस्ट का यूज़ किया है, आप चाहे तो थाइस का भी यूज़ कर सकते हैं। बस यहां पे आपको चिकन को लंबे लंबे पीसेस में काटना है इस तरह से। तो हम सारे पीसेस को इस तरह से श्रेड करके लंबे लंबे काट के रख लेंगे। नेक्स्ट हमें चिकन को मैरिनेट करना है, तो मैरिनेशन के लिए मैंने सबसे पहले नमक डाला है और 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर और साथ में 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून विनेगर और 2 फेटा हुआ अंडा डाला है मैंने, और साथ ही चिकन की कोटिंग के लिए 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। फिर सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और फिर 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करके चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर चिकन को 30 मिनट्स तक कवर करके रख देंगे ताकि सारा मैरिनेशन चिकन के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। अब हम बनाते हैं सॉस। तो पहले एक बोल में मैंने 1 कप पानी लिया है, उसमें 1/2 कप ऑयस्टर सॉस डाला है और 1 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है और साथ ही 1/2 टेबलस्पून विनेगर ऐड किया है और इसमें मैंने 1 स्पून शुगर ऐड किया है। मैंने ब्राउन शुगर लिया है, आप चाहे तो नॉर्मल शुगर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे साइड। मैंने एक वॉक में ऑयल गर्म कर लिया है एंड मैरिनेटेड चिकन को अब फ्राई कर लेंगे। सारा चिकन एक साथ ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी ताकि चिकन अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाए। थोड़ी देर पे हम इसे अच्छे से पलटते रहेंगे ताकि चिकन अच्छे से हर तरफ से फ्राई हो जाए और इसकी जो कोटिंग है एकदम क्रिस्प रहे और बहुत अच्छे से निखर कर आए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि चिकन अब फ्राई हो चुके हैं और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना ही अमेजिंग लग रहा है। अब हम इसे निकाल के एक टिश्यू टॉवल पे रख लेंगे। स्टेप में हम 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, उसमें 2 रेड चिलीज ऐड करेंगे और फिर 1 चॉप्ड अनियन और साथ में ग्रेटेड गार्लिक एंड थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन की बल्ब्स भी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक। और साथ ही फिर हम 2 टेबलस्पून पीनट्स ले लेंगे और अच्छे से उन्हें फ्राई कर लेंगे। पीनट्स ऐड करने से चिकन में बहुत ही अच्छा सा क्रंचीनेस आता है जिससे टेस्ट और एनहांस हो जाता है। 2 से 3 मिनट सॉटे करने के बाद हम इसमें कटे हुए बेल पेपर ऐड करेंगे और फिर 2 मिनट तक इन्हें भी सॉटे कर लेंगे। तो जो हमने सॉस मिक्स ऑलरेडी बना के रख लिया था, अब उसे हम ऐड कर लेंगे। सॉस को एक बार स्टर करके हम इसे 3 से 4 मिनट तक बॉईल आने तक पकने देंगे। सॉस को दोबारा स्टर नहीं करेंगे और एक बार जब सॉस में अच्छे से बॉईल आ जाए तब हम इसमें चिकन डाल देंगे। और सारा चिकन ऐड करने के बाद हम इसे स्टर करेंगे और अच्छी तरह से सारे चिकन को सॉस में मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक पकने देंगे, करीबन 2 से 4 मिनट। इसमें मैंने दोबारा सॉल्ट ऐड नहीं किया है क्योंकि सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट होते हैं पहले से। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर पेस्ट डाल रही हूँ, इससे सॉस थिक हो जाएगा और सॉस की कंसिस्टेंसी और बढ़िया हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि चिकन अब अच्छे से सॉस में मिक्स हो चुका है। चिकन इन ऑयस्टर सॉस का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो अब ये ऑलमोस्ट होने वाला है, तो इसमें मैं अब स्प्रिंग अनियंस चॉप करके डाल दूंगी। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 30 सेकेंड तक ही पकाएं। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जल्दी ही गल जाती है। अब ये बिल्कुल बनके तैयार है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बहुत ही निखर कर आया है और ये काफ़ी सॉसी बनी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें एंड और रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होप यू लाइक द वीडियो।